तो मैं ज्यादा देर और भाषण नहीं दूं, अब मैं सीधा सवाल जवाब की तरफ से चलना चाहता हूं। हमारे सबो जिला के साथी मनाए हैं, नवा जिला बने हैं, वहू जिला के मनाए हैं, खैरागढ़ के, मोला मानपुर के वहू साथी मनाए हैं, तो सब मैं शुरुआत कर रहा था राजनांदगांव। माइक दो भाई, माइक ताली तैयार है। अब मैं फिर से दोहरा देता हूं भाई, कलेक्टर सिखा पढ़ा कर भेजे हुए तेन मत सवाल पूछा, ठीक है? चलो भाई, हेलो, आवाज, हाँ जी, हेलो, हाँ सुनाई देते। हमको मन की शक्ति देना, रण विजय करे। हमको मन की शक्ति देना, रण विजय करे। खुद से ही पहले खुद की जय करे। बोलो छत्तीसगढ़ मातारी की जय। काका मोर नाम है कमलेश साहू, मैं संस्कारधानी राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय से आ हूँ। और हमर राजनांदगांव में दिग्विजय स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जिसे खेल प्रतियोगिता पर स्टेडियम बनाए गए है, जिहा ले निकल के हमर दीदी ज्ञानेश्वरी यादव आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पदक लावा थे। और उही क्रम में आप छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल के शुरुआत करे हो, जेमा हमर गांव के सभी होनहार लड़का मन खेल खेलिस। लेकिन हमर गांव के लड़का मन मोल पूछिस कि भैया यहाँ तो हमन खेल खेल रहे, लेकिन हमन ला राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेलना है, तो ओकर बर हमन ला कौन मदद करी? तो मैं बोले हमर काका मदद करी। तो हमर गांव के स्कूल मन में पीटी टीचर के कमी है काका, तो ओला वो मांगला पूरा कर देता हूँ। हमारे बीच में बीपीएड के कोर्स करे हुए हमारे दीदी और भैया मन उपस्थित है, एक बार चीयर कर लू। अच्छा, क्या नाम बताते हैं? कमलेश साहू। कमलेश भाई, सवाल तो बहुत बढ़िया है कि खेल के क्षेत्र में हमारे सरकार बने पहली दू ठीक रही से गैर आवासीय अकादमी, अब आठ ठक बन गए, आठ ठक अवचलत प्रक्रिया में, और हर क्षेत्र में खेले बर आवासीय अकादमी तक हमन खोला थन, स्टेडियम मन के सुविधा वहां रहेक व्यवस्था ये तो हमन करा थन। लेकिन तोर सवाल है कि हर स्कूल में पीटी टीचर होना चाहिए, कोच भी शासकीय तौर पे होना चाहिए, ये विचार हो तरी से। लेकिन एक घाव परमानेंट हो कोनो हा तहान फिर वो में ठंडा पड़ते थे ना, वो पाए के कोच के व्यवस्था कर एग्रीमेंट होना चाहिए, वो जब तक के फिट होकर खुद के फिटनेस रही तब तक के वो खेल वो कोच टीचर रहना चाहिए, और परमानेंट और पेट अधिक बढ़ रखे रही है बोलते कि बेते हाँ चल हाकिम दौड़ तो हॉकी खेल या फुटबॉल खेलते दौड़ रही, वो पाए के व्यवस्था होना चाहिए। तो सवाल बहुत बढ़िया है, लेकिन ओकर बार मैं समझता हूं कि वो दो साल के, तीन साल के, पांच साल के एग्रीमेंट होना चाहिए, ओकर से ज्यादा के एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो काका हमारे क्षेत्र बस में कुछ व्यवस्था करा देते कि हमर बीच से जो अभी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में अच्छा अच्छा खिलैया निकला थे वो मतलब, तो स्कूल में भी बात करते काका कि स्कूल तरफ से ले जाओ अभी खेल में करके, तो वो में भी नहीं ले जाते, तो कम से कम आप कुछ व्यवस्था अभी, कर दो। अभी तो काया के में अकादमी हम खोले और ओकर फायदा हुई कि 13 पदक लेके आए हमारे छत्तीसगढ़िया, लेके मेरे को जोरदार ताली बजाओ, 13 पदक लेके आए है। तो खेल के तरफ लगातार हमारे उनके प्रयास, जैसे राजनांदगांव के स्टेडियम में लगी नाड़ रहे राजनांदगांव रही, बस्तर में जा कतेकन स्टेडियम बन गए, जसपुर में जा देख ले कतेकन स्टेडियम, बाहर तो रही स्टेडियम बिलासपुर, अभी परम दिन हो गए
रायपुर में कहते कन अब यहां सिलेक्शन बैडमिंटन के सिलेक्शन रायपुर में होत ऑल इंडिया के तो व्यवस्था करें तब तो होते ना टेनिस के भी होते और भिलाई तो हमारे खेल मन के फिर खिलाड़ी मन के गढ़ यहाँ शुरू से खेल के प्रति बड़ा रुझान रहे हमारे एक महापौर खूब यहाँ उम्मीद टेस्ट लेते बहुत अकन आयोजन करते और ऐसा ऐसा खेल जिन हम नाम नहीं सुने तैसन तैसन खेल के आयोजन होते तो खेल के तरफ निश्चित रूप से युवा मन के बढ़ाए भर तो सुझाव बहुत बढ़िया है आगे निश्चित रूप से कोई न कोई प्रावधान करबो ता अगला बजट में ताकि हमारे गांव के लड़का मल्ल भी खेल एक व्यवस्था खेल में सुधार हो तेन हमारे मन के प्रयास अभी तक नारायणपुर में अबूझमाड़ के मुख्यालय मलखम जिन महाराष्ट्र खेले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन बस्तर के लड़का मन अपन पहचान बनाए मेडल जीत जीत के आए थे पहला दूसरा स्तर में आए थे ये जन लगातार जन सुविधा देहन ओकर कारण से संभव हो है और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के भी आयोजन अभी थोड़े दिन बारिश होते थोड़े दो चार आठ दिन तुम्हारे कैलेंडर आगे पीछे बढ़ा दू एशिया साहब है ना कारोबार के अभी सब खेती किसानी में लगे है और मैदान तक गिल्ला है और ऐसा समय में खेल खेले बुलावे तो खिलैया मन आ ही नहीं थोड़ा सा 8-15 दिन ला बढ़ा देना चाहिए तो निश्चित रूप से साहू जी आपके सुझाव बहुत बढ़िया है ये आगे विचार जरूर करबो धन्यवाद बहुत धन्यवाद खेल खिलाड़ी चलो अब खैरागढ़ सुई खदान गंडई हेलो काका पाव परत हो खुश रहो भैया मोर नाम है सुनील सिहोरे मैं खैरागढ़ से आया हूँ हाँ सुनील भाई और एक तो लाइन आपके लिए मैं बना के लाऊं दो तीन महीने से सोचे रहे हूँ आपके पर गाऊं करके अरे अतिक दिल ले हाँ तोला है बना भूपेश काका तोला है जोहार भूपेश काका तोला है जोहार भूपेश काका छत्तीसगढ़ के राजा तोला कही थे गा सबके मांग लपूरा तैहा कर थसगा हमरो मांग लपूरा तैहा कर बेगा ये आशा और विश्वास लेके काका मुल पता है कि आप सबके मांग पूरा करतो यही विश्वास लेके ए सुनील हाँ तो मांग का है तेला बता भैया काका हमार मांग है हमारा संगीत कला शिक्षक लोक संगीत और ड्राइंग शिक्षक की डिग्री ले चुके हैं हाँ। तो आपसे हमारा निवेदन है कि जितना भी सरकारी स्कूल हवे उनमें संगीत शिक्षक के लोक शिक्षक के और कला शिक्षक के भर्ती हो यही हमारी मांग हवे अभी तक के वैसे है इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय विश्वविद्यालय खैरागढ़ जी काका ओकर कोई ओकर अंडर में कोई महाविद्यालय नहीं रही से अब एक 5 ठकमन खोले हैं जी काका है ना जी मालूम है जी जी कहाँ कहाँ बिलासपुर में दुर्ग में सरगुजा में बस्तर में और एक रायपुर में हमारे श्रीराम महाविद्यालय एक कमला देवी महाविद्यालय है एक कवर्धा में है शारदा महाविद्यालय और एक बिलासपुर में गंधर्व महाविद्यालय तो काका मोर एक मांग है कावर बोला था कि आज आप मन के आए के पहली ये मंच पूरा खाली ही सब है ये जो कलाकार मन गई से तो ये पूरा माहौल आज जो बने हैं ये कलाकार मन के देन हरे एक बार जोरदार ताली हो भूपेश काका तो सुनील भूपेश काका अब महाविद्यालय खुले हैं तो टीचर मन की जरूरत तो पड़वे करी भाई जी जी है ना तो निश्चित रूप से भर्ती प्रक्रिया हुई तो, चिंता मत करते हैं काका एक तो बात है एक बात तो बोलूं कि संगीत एक तो साधना है जैन बचपन जो थे काका वो संगीत के शिक्षक ते पहले स्कूल में डाल काका स्कूल लड़का मन शिक्षक ले ली तब वो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में और महाविद्यालय में पढ़े पर जाइए काका ये आपसे निवेदन है मोर सर खूब बधाई बढ़िया सुझाव चलो ओकर आगे बढ़ाओ कोई दूसरा जय जोहार काका जय जोहार का नाम तोर जी काका मो अंकित सिंह नाम हो अंकित हाँ और मैं कृषि के छात्र हूँ हाँ और हमार मांग आई से कृषि काका की ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पोस्ट जिन हुए और उद्यानिकी अधिकारी के पोस्ट हुए हाँ। हम ग्राम सेवक कैसन काका हाँ। वह 916 पोस्ट ग्राम सेवक के है और उद्यानिकी अधिकारी के 91 पोस्ट हवा वह खाली है काका वह वित्त विभाग में
वो मंजूरी नहीं मिला तोला और करीबन 6 साल हो गए कि कृषि विभाग में नौकरी नहीं आए काका तोला मंजूरी देके पास करवा देता काका अपमान का नाम बताते हैं अंकित सिंह अंकित भाई 15 अगस्त के पहली करवा देते काका हाँ अभी न अंकित हाँ काका 41,000 पद भरे मतलब परीक्षा चला थे हाँ काका है ना वैकेंसी निकले 41,000 पे हाँ तो लगातार जब विभाग मन के वैकेंसी निकलत रहे तो एक जन लड़का मोल पोस्ट करे और उत्तर धुर्रा मत कर न काका थोड़ी सांस लेन देन का हाँ काका एक के संग्रह कैसे परीक्षा देवाड़ वो थोड़ी आगू पाछू कर तब तो भाई हाँ काका तो थोड़ा ब्रेक लगाया ब्रेक के बाद वो शुरू हो जाए है ना 41,000 अभी थोड़ा प्रक्रिया है हाँ। अब ये लग परीक्षा दवा दो अब परीक्षा दवा में फीस तो लगे नहीं न व्यापम में न पीएससी में है हाँ। ना तो हर विभाग में करीब 18 लाख लड़का मन परीक्षा दे थे हाँ। अब एको जन लग फीस जमा करे की जरूरत नहीं पहली ये विभाग में जमा कर रहा हूँ वो विभाग में जमा कर रहा हूँ कामें परीक्षा देवा ऐसे सोचा है अब हमारे यहाँ फ्री परीक्षा फीस नहीं लगा थे ना तो सब जन ट्राई कर चर्चा विभाग में देखो जल्दी करबो काका हमारा से काका तई हमार भरोसा हुआ हवन बहुत बका आगे हवन पढ़ पढ़ के तई हकर सकत हस काका हाँ जल्दी करबो चलो ठीक है चुनाव पहली करवा देवे काका जय जोहार काका जय जोहार पाप रथ होगा खुश रहो कौन है जी मैं हरीश साहू बोला था काका हाँ बोल भाई इतनी बार काका मैं आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के छात्र हरा हूँ कहाँ के आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के छात्र हरा हूँ काका हाँ कहाँ रायपुर अपन व्यथा तो कहा बतावा काका जैसे बुढ़वा डोकरा है जैसे बुढ़वा डोकरा कमरम करके बैठे बैठे रहते वैसे हमारे आयुर्वेद के हाल हो गए है काका कहा बतावा काबर की काका हमार छत्तीसगढ़ में 6 आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है भाई काका हर साल लगभग 500 से 600 पद निकलते काका 500 से 600 अभ्यर्थी निकलते चिकित्सक निकलते काका लेकिन 5 साल में सिर्फ 200 AMO के आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के पद भरते तो काका हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा काका कि आगे हम का करन काबर इतना घिस घिस के पढ़ाई करे रही थन काका बुढ़वा जाथन चुंदी है झर जाते मैं बेमेतरा जिला के मेड़की गांव से आया हूँ काका मोर गांव में पहले कुछ नहीं रही से लेकिन अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वह शहर में जाता हूँ तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो वही मांग रखना चाहता हूँ काका आपसे बहुत बहुत अनुरोध है काका कि स्वास्थ्य केंद्र में आयुर्वेद चिकित्सक मन के भी नियुक्ति किए जाए सका का नियुक्ति किए जाए और एक जगह मत रहो अब वो खैरागढ़ छुईखदा से ओ पार नहाको कबीर धाम को थी एकर में उत्तर दे देता हूँ वैसे बहुत अकन वैकेंसी भरे हैं और वैकेंसी वही तो निश्चित रूप से भरबो तो विश्वास दिला हमें अच्छा अभी 121 पद के वैकेंसी निकले पता है तोला 121 पद के ठीक है चलो अब आगे बढ़ो भाई जय जोहार काका जय जोहार कते करत नोनी मैं नर्सिंग महाविद्यालय के चतुर्थ वर्ष के संजना साहू बोला था हमारे जन नर्सिंग महाविद्यालय हवा बीएससी नर्सिंग के हाँ। खुद के बिल्डिंग नहीं है अरे? अभी तक से एनएम के बिल्डिंग चला थे तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे खुद के बिल्डिंग बन सका है कब खुली से अभी हमारे 10 पे चले थे लगभग 2014 के आसपास एक वर्ष पहले खुले हैं 2014 के 2010 अरे ये गांव पूछो तो 2006-07 में पहुंच जाएगा नहीं 2010 10 पक्का यस सर फाइनल लॉक कर दें हाँ पहली 14 की इसका और बाद 10 हो गए सर 2010 कंफर्म हुआ तो तोरे बिल्डिंग नहीं है हाँ अच्छा ठीक है भाई बिल्डिंग बना बो तोरे पक्का सर आप बहुत सारे और नर्सिंग के फील्ड के लिए छात्राएं मान के लिए भी मोर कुछ अनुरोध हवा मतलब ओखर जन स्टाइपेंड हवा ना 1500 बस हवा जना 1985 में बढ़े रही से तो मैं चाहत हूँ कि ओला थोड़ा सा बढ़ोतरी करे जाए उतका माँ छात्र मन के खर्चा वर्चे नहीं चले तो मोर आपसे अनुरोध है कि स्टाइपेंड ला बढ़ाया जाए अच्छा तो पहली काबर नहीं मिले
सर मैं अभी फोर्थ ईयर में हवा। हाँ कमरसा गे रहे हैं, कहाँ कमरसा दिखा ना। हाँ और गे रहे हैं टावर नहीं मिले। पता नहीं सर कब मुझे पता ही नहीं चली थे। आओ बहुत सारे अनुरोध हवा नर्सिंग के क्षेत्र पर। अरे रहे तो अभी एक सवाल करे थे। हाँ स्टाइपेंड 1500 तो बढ़ायल कहा थे यहाँ। हाँ। तो मोल उत्तर दे देवे दे। हाँ सवाले सवाल चलत रही है ना। पक्का बढ़ावो हमारे विचारा दीने विभाग के द्वारा कैबिनेट बढ़ावे। धन्यवाद सर। ठीक है चलो बिल्डिंग के लिए भी ध्यान देवे। और हाउस बोल रहे हैं नोनी। धन्यवाद काका। हाँ अब दूसरा दे मौका। हेलो हेलो जय जोहार काका। जय जोहार का नाम है जी। दिखा तो नहीं काका। हेलो जय जोहार काका। जय जोहार जी। काका मैं दशरंगपुर कबीरधाम जिला से आए हूँ। दशरंगपुर के रहिए। हाँ काका बता भाई। कबीरधाम से काका। हाँ काका 5 साल हो गए काका मोल पुलिस भर्ती की तैयारी कर। हाँ हेलो काका। हाँ सुना था बोल लगा। हो गए। हाँ काका अभी पुलिस भर्ती चला थे ना। नहीं काका आरक्षक पुलिस भर्ती नहीं चला काका भर्ती। तभी भर्ती चला थे ना काका रे। ओ एसआई के काका। एसआई के पास हो काका। अभी बस्तर फाइटर के भर्ती करे करवा दी। नहीं डाले काका हम बस्तर बस के डाले रही थे। अच्छा तो वो मतलब जरूरी है ना नौकरी करना। यस सर काका। 5 साल हो गए काका पैर टूट गए काका दौड़ा दौड़ा। तब तो भर्ती नहीं हो सके फिर गोट टूट गया था। ला देते हो काका भर्ती ला काका एक ठो। काका अच्छा अभी बस्तर फाइटर के वही से ओकर बाद एसआई भर्ती अभी चला थे है ना। एक बार फिर कांस्टेबल पर विचार करी। विभागीय मंत्री तक बैठे हैं, विभागीय एसीएस साहब बैठे हैं, ये मैं सब देखा थे। और जैसे एक प्रक्रिया पूरा हुई फिर वो शुरू कर वो ठीक है कर दू काका। पुलिस भर्ती बने और बहुत सपना है काका आपके शासन में। खूब डंडा चलाक मन हो थे का नहीं काका। ठीक है चलो भाई मोला मानपुर। हेलो हेलो जय जोहार काका। जय जोहार भैया। मोर नाम शक्ति कुमार है रे काका जी। बताओ मैं नवीन जिला मोहला मारपुर ले आया हूँ। कैसा है जिला अभी? लाल शासकीय चक्रधार कॉलेज के आरो काका। हाँ बताओ भाई। काका जैसे कि तोरे एक ठन योजना चला थे अभी बेरोजगारी भत्ता योजना। और काका ओमे जैसे बेरोजगार शिक्षित युवा मन है ओमला तो प्रशिक्षण भी मिला थे और रोजगार भी मिला थे। लेकिन काका जे यहाँ रोजगार के साथ में पढ़ाई करना चाहते ओकर बर का योजना है काका। काका 2500 रुपया तो हमारे मिला थे काका लेकिन ओला ते महाविद्यालय स्तर में जोड़बे काका। अगर महाविद्यालय से तो योजना जैसे चलते काका सरकार चलाते बहुत सारा योजना नरवा गुरवा बाड़ी योजना और नाबार्ड के योजना बिहान रीपा और बहुत सारे योजना है काका। अगर बोले महाविद्यालय में तेहा जोड़ता तब महाविद्यालय के विद्यार्थी मन वो योजना के साथ में पढ़ाई भी कर सकते और रोजगार भी मिल सकते काका। बहुत बढ़िया। मैं कॉलेज के एक ठन मांग करत हूँ काका। हाँ सकते बता। कॉलेज है काका 1984 के संचालित हुए लेकिन काका वहाँ पीजी कॉलेज नहीं है। अच्छा और वहाँ काका अच्छा क्रीड़ा अधिकारी के होते हुए भी वो हमारे सन सवेरे से शाम तक प्रशिक्षण देते खेल के बारे में सिखाते और हमला हर वो पहल कोशिश करते कि हम ऊपर तक जा सकन लेकिन वहाँ भवन नहीं है काका। ये सकते ये तो आगु में खड़े होते बैठा होकर फोटो आवा था भाई मैं देखा था। बैठ जाओ भाई बहन। हाँ, तो आगु में खड़ा तो चेहरा नहीं दिखा यार। हाँ काका दो तीन तो सवाल है। और एक तो पहली बात ये कि नौजवान साथी मतलब रोजगार के है ना काका। और अभी हमन ये करे हन कि जैसे 10वीं पास हुई लड़का
ग्यारहवीं गीत ग्यारहवीं के साथ साथ वो आईटीआई में भी एडमिशन ले सकते तो जब वो बारहवीं पढ़ी तो ओकर हाथ में दूठी सर्टिफिकेट थी एक बारहवीं के और दूसरा ओकर आईटीआई के दूसरा बात ये है कि जतेक बेरोजगार साथी मन अभी है करीब 1,22,000 हो गए 1,22,000 ला अभी तक 4 महीना में ही 112 करोड़ रुपया हम वितरित कर चुके हैं जबकि पिछले सरकार में 14 साल में 98 करोड़ रुपए बांट रही से हम 4 महीने में 112 करोड़ रुपए बांट रहे रहे ना भैया हमारे सवाल लंबा लंबा करे से यार हाँ काका तो जवाब लो देन देवे काका तो सन बात करेगा स्माइट है ठीक है की भूल जासो काका तो, अब मैं क्या कहते तेला भुलवा देते हैं ले काका याद कर लेना काका हाँ तो ये कि जैसे अभी 112,22,000 में हमन बेरोजगारी भत्ता देते हैं ओकरे साथ साथ कौशल प्रशिक्षण भी कार्यक्रम चला थे और में अभी तक के 6,000 लड़का मतलब प्लेसमेंट के माध्यम से मतलब रोजगार भी देते हैं तो ये काम हमला ज्यादा ज्यादा बढ़ाना है तीसरा बात अभी छत्तीसगढ़ में 146 ब्लॉक है उसमें 300 हम महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम शुरू करे हैं तो जिन उमें जिन नौजवान साथी मन कुछ रोजगार करना चाहते वहां मौका मिली वैसे शहर क्षेत्र में भी शहरी क्षेत्र में भी इंडस्ट्रियल पार्क हम बनाया था उसमें पानी बिजली सड़क सेट बैंक के सुविधा तो ये सब का हम एक साथ उपलब्ध करा था ताकि हमारे नौजवान लड़का मल्ला कहूं भटकेल मत पड़े तीसरा चौथा बात कि अभी हम टाटा से एक एग्रीमेंट करें और हमारे यहाँ जतका आईटीआई है उसमें 36 आईटीआई के साथ वो उन्नयन हमला करना है नया टेक्नोलॉजी उसमें लागू करन तो 36 जन आईटीआई थे उन्नयन का पर 1,186 करोड़ रुपया ये एक साल के अंदर में खर्चा हो ही और उसमें करीब 10,000 नौजवान मतलब से रोजगार मिले तत्काल मन के मतलब रोजगार मिले उही प्रकार से महिंद्रा टेक है ओकरो साथ हमारे बात चला थे भिलाई में बहुत जल्दी करीब 250 लड़का मन के बीपीओ सेंटर हम भिलाई में खोलबो तो उही प्रकार से हमारे प्रयास है ज्यादा से ज्यादा लड़का मन ला हमारे रोजगार दे सकन शिक्षा के बात है शिक्षा पर निरंतर प्रयास करा था अब तो यहाँ कतेक जन छात्र छात्रा है तोर कॉलेज में तेला अभी बताया नहीं है अब पीजी वहां चल सकते नहीं चल सके ओला अध्ययन करके निश्चित रूप से उन्नयन करबो काका तुम तो बात ला सुनबे तो अभी काका ला सुनत रहे जी काका हाँ 2500 से 2000 वहाँ छात्र है हाँ। मैं काका अंबागढ़ चौकी मोहला मानपुर जिला के स्टूडेंट नो हारो मैं बालोद जिला ले पीजी के कोर्स करे पर अंबागढ़ चौकी में आऊँ वो कारण मोला लगीस कि वहाँ के विद्यार्थी मन ऊंचे रही के पीजी के कॉलेज ला कर सके काबर की वहाँ अभी 4 टन कक्षा पीजी के संचालन होते और अगर 1 टन पीजी के और कक्षा संचालन हो जाए तो ऑटोमेटिक वो पीजी के डिग्री में आ जाए काका वही कारण मैं कहा रहे हूँ कि यहाँ पीजी के हो चला एक ठन तौर पर लाइन खोज काका मैं हाँ बोलो काका हाँ बोलो भाई हाँ काका जैसे एक जन किसान है 4 टन जमीन में फसल बोते काका एक टन पथरीली जमीन में एक टन रेतीली जमीन बा और एक टन कटीली वाली जमीन में और एक जन उपजाऊ जमीन में तो काका वो प्रयास करते कि कटीली जमीन भी बढ़े रेतीली जमीन भी बढ़े उपजाऊ जमीन भी बढ़े और साथ में पथरीली जमीन भी बढ़े तो वैसे काका ते प्रयास करता कि तो लोगन मन उपजाऊ जमीन के साथ साथ जो कथरीली पथरीली और रेतीली जमीन है वहू बढ़े तो मैं तो योजना मन से इंस्पायर हो गए काका अपन एक छोटे स्तर में घर में जैसे कि जैविक खाद हो गए काका और पशुपालन के क्षेत्र में काका एक छोटे बहन आराम करता हूँ एक अर्थ स्वास्थ्य अब लंबा भाषण मत देने यार दूसरों मौका दे देख जय जोहार काका हाँ और नाम देविका साहू है रवि देविका एक मिनट यहाँ पथरेली जमीन और रेतीली जमीन ये नहीं कहा है समझे बाबू यहाँ होते मटासी होते कन्हार होते डोरसा होते है ना दर्री होते भटूरी होते है ना जय जोहार काका बर्री होते ये प्रकार के होते बाबू अब ते नवा टाइप के बताए तो हम समझे लागे से हाँ देविका ले चल बोल मेरा नाम देविका साहू है काका मैं मोला से आई हूँ मेरा एक मान है कि हम यूजी के हैं स्टूडेंट है
और हमको पढ़ाई करने के लिए पीजी पढ़ाई करने के लिए 100 से 75 किलोमीटर मतलब 75 से 100 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसके कारण ना हम मन मान लेते हैं, अपना मन नहीं करता कि इतना दूर जाके कैसे पढ़ेंगे। हम लोग को सामाजिक की स्थिति आर्थिक की स्थिति से भी समझना पड़ता है। तो महोदय आपसे मेरा एक मान है कि आप हमारे कॉलेज में पीजी की एक भी स्तर की कक्षाएं नहीं लगती है, तो आप उसको लगाएंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। कौन सा कॉलेज है? तो मैं महाविद्यालय मोहला कॉलेज से आई हूँ। अच्छा, देखा उसमें साइंस का भी नहीं है, बीकॉम का भी नहीं है, बीए का भी नहीं है। तो माननीय महोदय आप अगर हमारे कॉलेज में अगर ये कर देते तो ज्यादा बेनिफिशियल होता। हाँ देवका, अभी देख तुम्हार तो मोहला मान पंचायत रिस हो, वो जिला बना दे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने आदिवासी वनांचल क्षेत्र को जिला मोहला मानपुर को जिला बनाने इसके लिए बहुत बहुत आभार है महोदय आपका। हाँ, ये पहली बोलना रही तोला। अब जिला बन गए तो धीरे धीरे सब काम हो ही ना वो महोदय। सुनना भाई। हाँ। अब जिला अस्पताल भी बनी है ना, सब विभाग हाँ। में के कार्यालय भी खुली और ओकर बाद पीजी कहा था तो हो ही, पक्का हो ही, चिंता मत कर। अगले साल में साल फाइनल ईयर का कमोर, अगले साल में अपन कॉलेज में पढ़ के अपन जिला के नाम रोशन करो। मैं इस साल सेकंड ईयर में रहे हूँ तो मैं अपन कॉलेज में सेकंड आया हूँ, और मैं जब फर्स्ट ईयर में रहे हूँ तो अपन कॉलेज में फर्स्ट आया हूँ काका, तो मैं पीजी में भी ऐसे जाके ना ऐसे अपन नाम रोशन कर सकूँ। ठीक है देविका, पक्का खोल मोटोरियम। काका सुनना एक बार, एक था मान है काका, ले भला एक ही मांग। अब रूंगे काम कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, रूंग मत काका, सुनना हमारा आदिवासी वनांचल क्षेत्र के हरण बहुत दूर दूर से आते हैं हमारे कॉलेज में पढ़े, पर रहे की समस्या बहुत ज्यादा होती है। छात्रावास भी चाहिए? हाँ छात्रावास चाहिए, वो, बस बोला पक्का खुलवा दूं मैं। हाँ ठीक है, पीजी इस तरह के का बस हाँ नहीं हो। धन्यवाद। अब माइक ला छोड़ अब, चलो इतनी हो गए ना, अब ये तरफ चलो। बेमेतरा जिला हेलो हेलो जी, बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। जय जोहार काका। जय जोहार, का नाम है जी? मैं मोर नाम राजीव मधुकर हवे और मैं शासकीय पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा के छात्र रह रहा हूँ मैं। हाँ काका, आप मन से आज ये मांग करना चाहता हूँ कि आप मन हाँ छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के शुरुआत करे हो, जेकर से सब लड़का सियान जिकर मा खिलाड़ी जन है सोए रही सब है ना, उनका अंदर मा वो आगे बढ़ के ऊपर रही सब है, वो मन आगे बढ़ के अपन टैलेंट ला प्रदर्शित करी सब है। वैसे ही आप मन हाँ छत्तीसगढ़ी गीत कविता के भी मतलब जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन करो, जेकर से हमारे गवई क्षेत्र मा शहरी क्षेत्र मा जिन लड़का मन हाँ कविता और गीत लिखते हैं या फिर है ना उनकर जिन्हें मनोबल बढ़े वो मन हाँ आगे आवे। अच्छा, कविता लिखे। अच्छा सुझाव है। तो अभी 20 अगस्त के राजीव जी की जयंती हो तो वो समय लेखन और कविता दोनों प्रतियोगिता में हम जरूर भाग ले लेते हैं। जी सर। ठीक है जी। और अच्छा सुझाव आगे वो बढ़ा पहला। ठीक है भाई, एक था मांग है काका। अच्छा बता भाई। हमारे बेमेतरा के छात्रावास हवे तो यूजी वाले लड़का मन बस पर हवे बीएससी मतलब जेन ग्रेजुएशन वाला लड़का है दिकर बर, तो वहाँ 50 सीट और बढ़ा के पोस्ट ग्रेजुएशन वाला लड़का मन बर भी कर देते हो, तो हमन जेन दूर दराज से लड़का वहाँ पढ़े लाथन दिकर बर बहुत भला हो जाती। बहुत बढ़िया सुझाव है। अच्छा ये अगले साल बजट में जरूर शामिल कर लो जी। ठीक है काका। हाँ जी, और बाजे एक था कविता लिखे हूँ आप पर। अच्छा। आप मन जब का किसान भर करा था वो किसान के मतलब लगा था कि पहली बार छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बने हुए, तो आप पर आप ला समर्पित करते हुए एक ठो कविता लिखे हूँ हमारे किसान भाई मन पर, किसान मन भाई के गुण बताए पर, तो सुनो। जय जोहार मितान, छत्तीसगढ़ के हरों किसान, माटी के मैं लाला हूँ माटी के करता हूँ सम्मान,
छल द्वेष बर जगह कहा हम तो मया बगरा थन जी ए बैरी जमाना मा हम मया के गीत सुना थन जी अपन अलग अंदाज ले अपन अलग अंदाज ले हरदम हम छा जा थन जी अपन माटी के इतिहास ला सबला हमन बता थन जी हमर सादगी हर है हमर पहचान जय जोहार मितान छत्तीसगढ़ के हरों किसान ए माटी के वह लालो माटी के करता हूँ सम्मान हमर बोली भाखा जैसे मधुरस के प्याला है यहाँ के बच्चा 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 मन हाँ बड़ दिल वाला है मैं यहाँ ऐसे गुथे जैसे मेकरा के जाला है दाई दीदी के घर मसो है देख मोगरा के माला है हर धरोहर ई हमर जेमा हम करथन अभिमान जय जोहार मितान छत्तीसगढ़ के हरो किसान ए माटी के मैं लालो माटी के करता हूँ सम्मान बड़े बिहनिया ले चूल्हा गोबर माली पागे भूसा और कोढ़ा डालत ले ठेठरी और चिला रंधागे हमन गवई के मन के भाई पिज्जा बर्गर नहीं खावन देखना अब तो महर महर के जीवी कांदा मम आगे बासी चटनी संग खा के बेट भर खेत चली जम्मो सियान जय जोहार मितान छत्तीसगढ़ के हरो किसान ये माटी के मैं ला लाऊ माटी के करता हूँ बहुत बढ़िया खूब बधाई चलो भाई आगे बढ़ो बालोद हेलो अच्छा बालोद उधर भी है इधर भी है हेलो जय जोहार काका जय जोहार जी काका अपना बहुत बहुत धन्यवाद क्या था अपन भतीजा भतीजी मान ला यहाँ संवाद करे के मौका दे हो जी धन्यवाद क्या नाम है भाई भतीजा दानेश्वर सिन्हा ये संगीता सिन्हा रिश्तेदार उसका जी निकालबो तो निकल जाएगी काका काका हाँ। और पहला सवाल है हाँ, हाँ बता जिला और सामुदायिक अब बोल लगा जिला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एम्स हाँ। जिला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अब बोलना आगेगा जिला और सामुदायिक स्वास्थ्य के केंद्र के उन्नयन एम्स के स्तर के होए वाह क्या बात और दूसरा पैतृक संपत्ति के जो स्थानांतरण है हाँ। वो जो है सरल होए होकर प्रक्रिया हाँ ये बहुत व्यवहारिक बात कहते हैं ठीक है सर हाँ। अभी बात होते है उनमें हाँ। तहसील और एसडीएम कार्यालय में 4-5 साल लग जाते तो झगड़ा करूँ तो कावर नहीं लगी जी नहीं और सर हमारे जिला में वो झगड़ा कहा होते वो नामांतरण बंटवारा जो होते ना फौती उठावे वो बहनी मल्ला नहीं देने का नाम दस्तखत कर देते तानू शिकायत करते बहनी मना सर और हमारे जिला में बीएड के कॉलेज नहीं है तो बोला खोल देते या पूरा छत्तीसगढ़ में बीएड के सीट ला बढ़ा देते हो बीएड कराइया बहुत झोंके लेकिन गवर्नमेंट के सीट कम